स्कोप साइंस क्लास में हूँ ज़रलिश राणा और जी आज हम करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी मैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज, आज जो हम टॉपिक है ना करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज, हम इसमें एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम उनकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, जिसमें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाते हैं। फिर हम इन सब की टाइप्स को देखेंगे कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या होता है और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में देखेंगे, और फिर हम इन दोनों की इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि हमें ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कौन सा सोर्स कैसे प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोसेस की तरफ आएंगे, हम उसको देखेंगे कि हमने एनर्जी किस तरह कंजर्व, हमें एनर्जी कंजर्व क्यों करनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेथड से हम एनर्जी या कौन सी टेक्निक, कौन सी जो हम अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, या वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एनर्जी का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को रीन्यूएबल हों या नॉन रीन्यूएबल हों उनको हम कैसे अपने सोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और एनर्जी की जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जी ये होने वाला है आज का, ये हो गया हमारा एक जो टॉपिक है उसका ब्रीफ ओवरव्यू, में ब्रीफली मैंने उसका ओवरव्यू दिया आपको कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जी स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं जी? ऐसे सोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिनसे प्रोडक्शन होती है एनर्जी की, वो जो प्रोडक्शन होती है एनर्जी की हम उसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आज के दौर में आप अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर बग़ैर लाइट के तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में खैर एनर्जी के बहुत बड़ा क्राइसिस है, इस चीज़ को तो खैर हम नहीं इग्नोर कर सकते, लेकिन फिर भी हम एनर्जी जो है और ख़ासतौर पे जैसे हमारा जो मुल्क है उसमें एनर्जी को, जितना हमारे मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है, हम किस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज करके हम अपनी जो नीड्स हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं, और कैसे लिमिटेड अमाउंट में या एफिशिएंटली जो है एनर्जी की सिक्योरिटी भी हो और एनर्जी प्रोडक्शन भी हो, जिससे हमारी बुनियादी और मुल्क की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें। तो खैर मैं तो इस टॉपिक को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं कवर करूंगी, मैं इसको साइंस के पर्सपेक्टिव में आज हम देखेंगे कि किस तरह कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और हम उनको कैसे देखते हैं। सबसे पहले जी आ जाते हैं हमारे एनर्जी रिसोर्सेज। दो तरह के जी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं रीन्यूएबल और दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल। इनके नाम से जाहिर होता है कि रीन्यूएबल में आ जाते हैं जी वो वाले सोर्सेज होते हैं जो नेचर में खुद ब खुद ही रीन्यू होते हैं, वो नेचर में अबंडेंट होते हैं, जैसे कि सनलाइट होती है, वाटर है, एयर है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सारी एग्जांपल्स आ, बायोमास हो गया, बायोफ्यूल्स हो गए, ये सारी वो एनर्जी वो सोर्सेज हैं जो नेचर खुद ब खुद ही रिप्लेनिश कर देती है। जैसे सनलाइट है वो आपको नेचर खुद ब नेचुरली ही प्रोवाइड कर रही है, अबंडेंट है, आपको ये फिक्र नहीं है कि सूरज की रोशनी जो है वो कम हो रही है या कुछ है। इसमें से वाटर एक ऐसा सोर्स है जो क्योंकि हमारी ओवर यूज़ की वजह से, जिसका जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका जो लेवल बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं कि अगर वाटर की सप्लाई को एफिशिएंटली यूज़ करें तो उसका भी जो लेवल है वो मेंटेन हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर जो है वो इतनी जल्दी वो रीन्यू नहीं होते, वो ओवर द पीरियड जो है वो उनका जो लेवल है वो डिप्लीट हो जाता है या वो कम हो जाते हैं या रिप्लेनिशमेंट उनकी ईजिली अवेलेबल नहीं होती। इसमें डिफरेंट फॉसिल्स फ्यूल्स आ जाते हैं, जिसमें कोल आएगा, ऑयल्स आएंगे, पेट्रोलियम्स आ जाते हैं, इसके अलावा डिफरेंट मेटल्स हैं, ये सारे जो हैं हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। सबसे पहले जी हम देखेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज को, कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने सबसे पहले देखेंगे हम अपना
सबसे पहले हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है जी। ये वाले जो रिसोर्सेज है ना, अगर हम देखें कि ये कन्वेंशनल फ्यूल्स जो होते हैं ना उनको रिप्लेस कर देते हैं डिफरेंट जगहों पे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए, हॉट वाटर या स्पेस हीटिंग के लिए, मोटर फ्यूल्स में, या ऑफ ग्रिड जो एनर्जी सर्विसेज होती हैं ये उसमें हमें रिप्लेस कर देते हैं कन्वेंशनल फ्यूल्स को। इसके अलावा जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बहुत एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, इनका इम्पैक्ट अच्छा होता है, इससे पोल्यूशन नहीं कॉज होती, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल से देखते हैं कि जी वो कंटिन्यूसली जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की एमिशन हो रही होती है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो इमिट हो रही होती हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से, लेकिन जब हम रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करते हैं तो उससे ऐसा नहीं मसला होता, उससे कार्बन की इमिशन नहीं होती है, ना तो ओजोन की डिप्लेशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जी ये इकोनॉमी के लिए बहुत बूस्ट करते हैं कि डिफरेंट जो आपके पास क्या होगा कि इन इकोनॉमी को बूस्ट होते हैं, यानी आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी जो एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो आपके ऑलरेडी जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं ना रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज करना, उनकी एक्सट्रैक्शंस करना वो ज़्यादा लेबोरियस एक तो एक्टिविटी भी है वो, और एक्सपेंसिव भी है, और हर कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं होते। जैसे हम सब जो हैं कंट्रीज जो होते हैं वो फॉरेन जो ऑयल वगैरह हैं पेट्रोल है हम उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं कि हम उनसे ऑयल लें, जो ऑयल जो रिच कंट्रीज होते हैं रिसोर्स जिनके पास हैं, जैसे हमारे पास कोल तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है लेकिन वी आर अनएबल टू एक्सट्रैक्ट दैट कोल, तो इसके लिए भी हमें दूसरी जो कंट्रीज हैं उन पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे हमने चाइनीज कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो हमारी जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनसे एनर्जी की प्रोडक्शन लेना जो है वो एक लेबोरियस और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखते हैं कि इससे एक तो आपकी इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट मिलता है और जॉब जो होती है बहुत ज़्यादा जॉब्स की भी डेवलपमेंट होती है, न्यू जितने जितने आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे उतने ही जो है जो जॉब का एरिना जो है वो बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगी, आपको उसी एक्टिविटी के लिए नए नए लोग चाहिए होंगे, तो इस तरह हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो जी अब हम आ जाते हैं हमारे रिसोर्सेज को, पहले हम देख लेते हैं, हम वन बाय वन सारे रिसोर्सेज को देख लेते हैं। सबसे पहले हम विंड की पावर को देखते हैं। विंड जो होती है जी वो नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट होती है, खास तौर पे की जो कोस्टल लाइंस होती हैं या हाई माउंटेनियस रीजंस जो होते हैं वहां पर जो हवा जो होती है हाई ऑल्टीट्यूड जो होते हैं उन जगहों पर जो है वो प्रेफर्ड लोकेशंस होती हैं। यहाँ पर हवा का तनासुब होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं मॉडर्न विंड मिल्स जो होती हैं हम उनको वहाँ पर अरेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा वो हवा उससे टकराती है और वो टर्बाइंस मूव करती हैं और इस तरह हम एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जी हम देख लेते हैं हाइड्रो पावर को। हाइड्रो पावर एक बहुत अबंडेंट सोर्स ऑफ जो कहते हैं ना एक बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है कुदरत ने। ये जो आम हवा से तकरीबन 800 टाइम डेंसर होता है और इसका अगर ये हवा का तो ये होता है ना कि हवा का प्रेशर ज़्यादा हो तो वो टर्बाइन को मूव करता है, लेकिन ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो ये एक जब इसकी काइनेटिक एनर्जी जब आप अपने बेसन्स जो होते हैं डैम्स की बेस में बेसन्स लगाते हैं तो वहाँ पर जब वो ये उससे टकराती है जब उसके ऊपर ये पानी का प्रेशर गिरता है तो आप वो जो उसको स्टोर कर लेते हैं उस प्रेशर को, और जिससे क्या होगा जो काइनेटिक जो टर्बाइन उससे क्या होता है टर्बाइन जो है वो मूव करती है और वो जनरेटर्स को मूव करती है, इससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये चीज़ बहुत ही चीप और नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं ये सारे। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइडल पावर्स को। टाइडल पावर्स का भी यही होता है कि खास तौर पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो चांद की कशिश से भी जो वेव्स ऊपर की तरफ समंदरों में उठती हैं हम उनसे भी एनर्जी जो है हासिल कर सकते हैं, और आमतौर पे दिन में दो दफ़ा जो होता है वो वेव्स ऊपर को उठती हैं तो हम जो उस एनर्जी को भी हार्नेस कर सकते हैं, वहाँ पे टर्बाइंस की सेटलमेंट की जा सकती है, वहाँ पे इंस्टॉल की जा सकती हैं और एनर्जी वहाँ से ली जा सकती है। इसके बाद आ जाता है जी सोलर एनर्जी जो हमारी
नेचर है, ये जो सोलर एनर्जी है ये हम जानते हैं कि एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है. ऑल द टाइम जो रेडिएशंस आ रही होती हैं इसमें जो होता है कि 1.4 जो मैं यूनिट भूल रही हूँ तो एनर्जी आ रही होती है, बहुत सारी जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो नेचर में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्शंस के तौर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ डायफ्रेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्रेक्ट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत एनर्जी इनफ एनर्जी होती है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकें और उसकी प्रोडक्शन कर सकें. फोटोवोल्टिक सेल्स इसके लिए यूज़ होते हैं जो, और जो प्लेट्स यूज़ होती हैं इससे आप डायरेक्टली हीट भी कर सकते हैं. और जो फोटोवोल्टिक सेल्स या सोलर सेल्स यूज होते हैं वो सिलिकॉन के मिलकर बने होते हैं. उससे क्या होगा जी, वोल्टेज जब वो उससे टकराती है तो एक वोल्टेज जो होता है वो क्रिएट होता है, उसकी तो एनर्जी खैर कम होती है लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप वेफर्स मिला देते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जियोथर्मल एनर्जी. हम देखते हैं डिफरेंट वॉल्केनोज होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गेसर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि जी हॉट सब्सटेंस जो होता है हम जानते हैं कि इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड हुई भी होती है तो वो बाहर निकलती है. ये भी एक इससे क्या होगा, ये एक नेचुरल वे है, इसमें हीट जो होती है वो इनसाइड द अर्थ लेयर जो होती है वो इंट्रैप हुई भी होती है. जो हम देखते हैं कि ये वाला जो, लेकिन ये होता है कि इसकी एनर्जी को थोड़ा सा हार्नेस करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि आम तौर पर यहाँ पे लोकेलिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं, पॉपुलेशन नहीं होती है और इसको दूर दूर तक लेकर जाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है. ये वाले जो स्टेशन होते हैं जियो थर्मल पावर से जो पाई जाती है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ख़ासतौर पर आइसलैंड में, इटली में और कैलिफोर्निया में इसके हमें स्टेशन मिलते हैं. इसके बाद जी हम देखते हैं जी बायोफ्यूल्स. बायोफ्यूल्स को हम फॉसल जो अल्टरनेटिव्स होते हैं जी फॉसल्स फ्यूल्स का, बायोफ्यूल्स को हम एग्रोफ्यूल्स भी कहते हैं. इसमें क्या होता है जी, हम बायोमास या डिफरेंट जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनको डायरेक्टली भी जो है उनको यूटिलाइज करते हैं, उनके डायरेक्ट कंबस्टन का प्रोसेस होता है या फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इसके थ्रू जो है हम इनको यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. तो जो स्टीम जो फिर इससे निकलती है उसे हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जो मिल्स वगैरह में भी होता है कि हम उनके जो टर्बाइंस वगैरह को रोटेट करा सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है. और ये होता है कि आपकी यहाँ पे वेस्टेज मटीरियल होता है उसकी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाती है. इसके बाद हम देखते हैं जी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को, जिसके अंदर जी फॉसिल्स फ्यूल ज़्यादा आ जाते हैं. फॉसिल्स फ्यूल्स में कोल, ऑयल, पेट्रोलियम आ जाता है. सबसे पहले हम ओवरऑल फॉसिल्स फ्यूल्स को देख लेते हैं कि जी फॉसिल्स फ्यूल में मैंने बताया कि कोल, ऑयल और पेट्रोलियम आता है. फॉसिल्स फ्यूल्स का ये होता है कि जी रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, जो बहुत अरसे से सेंचुरी से जो है डिफरेंट जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स होते हैं उसकी वजह से ज़मीन में दब जाते हैं और वो जब खुद दब जाते हैं और डीपर लेयर ऑफ अर्थ्स में या फिर समंदर में, जब हम फॉसिल्स फ्यूल की बर्निंग करते हैं ना तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं. ये भी एक बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये एक्सपेंसिव भी होता है, ये लेबोरियस भी होता है और इसके इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं. एज वी ऑल नो कि क्लाइमेट चेंज का किस कदर इशू होता जा रहा है, ये सारी जो हम फॉसिल्स फ्यूल जो हैं ये होते थे क्विक मीन्स हैं कि भाई आपने जल्दी जल्दी एनर्जी कोयला जलाया और एनर्जी की प्रोडक्शन कर ली, पेट्रोल को यूज़ कर लिया, ऑयल को यूज़ कर लिया डिफरेंट पर्पसेस के लिए. लेकिन क्या होगा कि इसके रिएक्शन में जो इमिशंस वगैरह हो रही होती हैं वो उनका एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा मनफी असर आते हैं. एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा होता है, पोल्यूशन भी हो रही होती है जिसकी वजह से स्मोक भी होती है, डिफरेंट जो कॉजेज हो जाती हैं कि इनके इनको अवॉइड करना चाहिए या एक दुनिया में ट्रेंड आ रहा है कि हम इनको अवॉइड करें. अच्छा जी, सबसे पहले फिर हम देख लेते हैं जी कोल को. कोल क्या होता है जी, कोल जो बहुत एक रिच सोर्स होता है केमिकल एनर्जी का. इससे तो आप क्या करते हैं जी, कोयले को जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, फिर इस हीट से जो है हम वाटर और जो स्टीम होती है उसमें भी केमिकल एनर्जी होती है. तो वो जो हीट उससे वहाँ स्टीम ने जो एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर देनी होती है, जो स्टीम वगैरह प्रोड्यूस होगी वो टर्बाइन को मूव करती है और ये जो एनर्जी जो होती है ना, ये टर्बाइन जो होती है वो आगे जनरेटर को मूव करती है, वो एनर्जी को एज अ मूवमेंट ट्रांसफ़र कर देता है. फिर क्या होता है जी, एनर्जी ट्रांसफर्ड एज जनरेटर से एनर्जी जो है
एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. उसके बाद आ जाती है जी नेचुरल गैसेस. जो नेचुरल गैसेस होती हैं हम उनको ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से हासिल, कंडेंसेशन के प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं. और जो रिमेनिंग गैसेस होती हैं हम उनको कमर्शियल पर्पस के लिए या रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम भी एक बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. ये बायोलॉजिकल जो रिमेन्स हो जाते हैं कोल के या फिर जो ये हम उनसे ऑब्टेन करते हैं जी. अब आ जाता है, ये तो हो गया हमारे रिसोर्सेज के, एनर्जी के हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हैं. अब हमने ये देखना है कि हमने, अब हम आ जाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ कि इन रिसोर्सेज को या एनर्जी को क्यों कंजर्व किया जाए, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है. सबसे पहले जी हम देखते हैं कि एनर्जी जो होती है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं जी, लिमिटेड नेचर होती है रिसोर्सेज की. हमारे पास जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं या एनर्जी के ये जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, सूनर और लेटर इनको डिप्लीट होना ही होना है. और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि ओवर यूज़ कर लें या मिस यूज़ के लें, अनवाइज यूज़ कर लें, लीड्स क्या, इससे भी क्या होता है जी, एक तो डिप्लीशन हो जाती है और पोल्यूशन भी अलहदा कॉज होती है. ओवर यूज में फॉर एग्जांपल हम ओवर हंटिंग कर लेते हैं, ओवर फिशिंग हो जाती है, हम डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कर देते हैं. डिफॉरेस्टेशन से एक तो ये होगा कि नेचुरल जो हैबिटाट होता है ऑर्गेनिजम्स का वो भी डिस्टर्ब होता है. और जो वुड होती है जिसने जो वुड होती है हम उसको बिल्डिंग या फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बहुत नुकसान होता है. इसके अलावा हम ओवर यूज और वाटर करते हैं, हम अपने वाटर का जो यूज है वो एफिशिएंटली नहीं करते हैं, जिससे हमारा जो नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, जो वाटर के रिजर्व होते हैं वो नेचर में इतनी रैपिडली रिप्लेस नहीं होते हैं जितने के बाकी जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं. इसका एक नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस है जो कि बहुत स्लो है. इसके अलावा जो हमारे बाकी जो रिसोर्सेज हैं हम उनका बहुत ज़्यादा कोयले का, ऑयल का, नेचुरल गैसेज का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है लेकिन डिटोरिएट हो रहा होता है. ले अब हमें इनको कंजर्व करने के लिए हमें इनको कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाने चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए, अब हम वो देखते हैं. सबसे पहले जी हमें एनर्जी जो होती है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, एनर्जी का एफिशिएंटली इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सही तरीके से जितने हम कम से कम बिजली का इस्तेमाल कर सकें या इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें. या हमारे पास और अल्टरनेटिव्स हैं, अगर हमें फॉसिल्स, अगर हमें एनर्जी लेनी है तो हम फॉसिल्स फ्यूल की बजाय क्यों ना हम एग्रोफ्यूल्स की तरफ चले जाएँ, बायोफ्यूल्स की तरफ चले जाएँ, जिससे हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगी और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाएगी. इसके बाद हम देखते हैं जी हमें एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए. एनर्जी को कंजर्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं और हर इंसान को, चाहे वो हर इंसान को इनफरादी तौर पर भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए एनर्जी को कंजर्व करने का. हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं जी. हम कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी बल्ब्स मत जलाएं, ये जो और जो कन्वेंशनल जो लाइट्स होती हैं उनको जो है उनकी निस्बत अगर हम एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल कराएं. अब ये जो लैंप है ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए चलाया है, रूटीन में डे लाइट में हम लैंप्स नहीं चलाते. तो इस तरह हम एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं. जो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप इंडिविजुअली या गैर ज़रूरी अगर कम रास्ता है तो उसमें हर वक्त जो है अपनी कोई भी व्हीकल को यूज़ करने के बजाय, पेट्रोल जलाने के बजाय अगर थोड़ा फासला है तो आप उसको पैदल भी चलकर तय कर सकते हैं. या फिर आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उस वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है एनर्जी कंजर्वेशन का. इसके अलावा जो स्मार्ट कार्स अब बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं मार्केट में, कोशिश करनी चाहिए कि जो स्मार्ट कार्स हैं अब उनको हम अपने इस्तेमाल में लेकर आएं या उनको चलाएं, जिससे एनर्जी भी कंजर्व होती है और आपके पेट्रोल की भी खपत कम होती है, सब चीज़ों की जो कंजर्वेशन होती है, एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन जो है वो कम होती है. इसके अलावा जो हम कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि जी अवेयरनेस होनी चाहिए, इंडस्ट्री एनर्जी सेविंग गाइडलाइंस होनी चाहिए, हर जो इंडस्ट्री होती है उसको अपना एक एनर्जी प्लान बनाना चाहिए और एनर्जी ऑडिट्स होने चाहिए
और ताकि वो चेक करें अपने ऑर्डर्स चेक करें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने जो भी उनका इंडस्ट्री का सेटअप है उसको चेक करें, क्या कोई इंडस्ट्री का ख़राब तो नहीं है जो पुराने, जैसे 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 पहले जब हम लोगों के विंडो एसीज होते थे उनकी एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होती थी, अब जैसे कि डीसी इन्वर्टर्स वगैरह आ गए इनकी एनर्जी की कंजर्वेशन जो एनर्जी जो यूटिलाइजेशन होती है वो कम होती है, इस तरह हमारी कंज्यूमर का जो बिल होता है वो भी कम आता है और एनर्जी की जो यूटिलाइजेशन होती है वो भी कम होती है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी हो रहा है। इसके अलावा पब्लिक में भी अवेयरनेस की जो कैंपेन्स होनी चाहिए इसको लोकली लेवल पर भी और इंटरनेशनली लेवल पर भी जो है इसके बारे में ज़रूर डिबेट होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस के कैंपेन्स मीडिया के थ्रू होनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स के थ्रू होनी चाहिए, नेशनली और ग्लोबल लेवल दोनों पर होनी चाहिए। तो जी ये था हमारा कि हम किस तरह अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने इतने रिसोर्सेज देखे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल, उसके बाद हमने उन दोनों की देखा कि हम उनसे कैसे कैसे एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हमने अपना देखा कि हमने एनर्जी कंजर्व क्यों करनी चाहिए, और फिर हमने देखा कि एनर्जी किस किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले जो हमारी वीडियो होगी उस पर हम इंडिविजुअली करेंगे बायोफ्यूल्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में।